हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू मैग्नेट मैग्न मैं हूं अनीशा आपकी अपने इंग्लिश एजुकेटर और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास इलेवंथ की जो आपकी हॉर्नबुल बुक है उसका चैप्टर नंबर फोर द लैंडस्केप ऑफ द सोल और आज हम कवर करेंगे इस चैप्टर के एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन वॉट डज द वर्ड डाओ मीन ये जो वर्ड है डाओ इसका मतलब क्या है आपके सामने फोर ऑप्शन गिवेन है और इन फोर ऑप्शन में से यू सपोज टू चूज वन ऑप्शन विच इज करेक्ट तो ऑप्शन है नंबर ए पेंटिंग क्या डाओ का मीनिंग पेंटिंग होता है नॉट एट ऑल नंबर बी यूनिवर्स डाओ का मीनिंग होता है यूनिवर्स डाओ एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट जरूर है लेकिन इसका मीनिंग अलग होता है इसका मीनिंग यूनिवर्स नहीं है ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है तो यूनिवर्स तो उसका मीनिंग बिल्कुल नहीं होगा सी वोट द पाथ और द मेथड एंड द मिस्टीरियस वर्कस ऑफ द यूनिवर्स यानि कि जो यूनिवर्स में कोई भी अगर कोई काम कर रहा है तो वो कौन सा पाथ यूज़ कर रहा है उस काम को करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ कर रहा है और उस काम को पूरे होने में कुछ मिस्टीरियस वर्क्स होते हैं यूनिवर्स के यानी कुछ रहस्यमयी बातें होती हैं जो हम इंसानों को पता नहीं चल पाती तो बेसिकली एक चाइनीज़ कॉन्सेप्ट है जिसको हम डाव कहते हैं दिस इज़ अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट सो यस डाव का मीनिंग यही होता है ऑप्शन नंबर डी नेचर क्या नेचर होता है क्या नो नॉट एट ऑल सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट वॉट डज यांग मीन यांग का मीनिंग क्या होता है तो so, ऑप्शन है नंबर वन योगिक प्रैक्टिस योगा की प्रैक्टिस को हम यांग कहते हैं नॉट एट ऑल ऐसा कुछ भी मैंशन नहीं है आपके चैप्टर में बी माउंटेन और माउंटेन कैसा होता है वर्टिकली टूवर्ड्स हेवन स्टेबल वॉर्म एंड ड्राई इन द सन तो यस दिस इज द राइट ऑप्शन यांग का मतलब होता है माउंटेन और यिन का मतलब होता है वाटर एक चाइनीज कॉन्सेप्ट में तो माउंटेन का मतलब होता है यांग जैसे माउंटेन कैसा होता है वर्टिकली अपवर्ड्स टूवर्ड्स हेवन ये ऊपर की तरफ होता है यानी कि वर्टिकल होता है और हेवन यानी ऊपर हेवन होता है और माउंटेन उसी को फेस कर रहा रहता है स्टेबल होता है यानी एक ही जगह पे खड़ा रहता है ये मूव नहीं करता है माउंटेन वॉर्म काफी गर्म होता है क्योंकि सन की डायरेक्ट रेज जो होती है वो आपके डायरेक्ट कहाँ पड़ती है माउंटेन के ऊपर एंड ड्राई इन द सन सन के अंडर ये माउंटेन हमेशा ड्राई रहता है सूखा रहता है तो यही मीनिंग है यांग का इसी का ऑपोजिट होता है यिन वाटर होता है हॉरिजोंटल होता है

और अपनी पेंटिंग दिखाई तो उसने अपनी पेंटिंग में क्या बताया उस पेंटर ने क्लैप किया जब पेंटर ने अपने हैंड्स जैसे क्लैप किए तो पेंटिंग में क्या हुआ तो ऑप्शंस हैं द एम्परर वैनिशड जो टैंग एम्परर जो पूरे जो किंग वहां खड़े थे वो वैनिश हो गए गायब हो गए क्या नहीं वो वही के वही खड़े थे द पेंटिंग ऑन द वॉल वाज गॉन एंड सो वाज द पेंटर तो एक बड़ी अजीब सी चीज हुई जब वुड हाउसी पेंटर ने अपने हैंड्स क्लैप किए पेंटिंग के सामने तो पेंटर भी गायब हो गया और उनकी पेंटिंग जो उन्होंने दिवार पे लगा के रखी थी वो भी गायब हो गई तो ये एक बहुत अजीब चीज हुई थी दिस इज द द राइट ऑप्शन वॉल वैनिश्ड वो दीवार दीवार की ही वैनिश हो गई तो ऐसा कुछ नहीं था वॉल वही थी सिर्फ पेंटर और उनकी पेंटिंग वैनिश हुई थी यानी गायब हो गई थी घोस्ट अपियर सडनली जैसे उन्होंने क्लैप किया एक भूत आ गया था तो so, ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं होता ये कुछ भी है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन दिस क्वेश्चन ओके नेक्स्ट वॉट डज द चाइनीज लैंडस्केप डिपिक्ट चाइनीज लैंडस्केप होती है वो क्या डिपिक करती है क्या दर्शाती है तो लैंडस्केप क्या होता है जिसमें बहुत सारे वॉटर water होता है रिवर होती है माउंटेन्स होता है ऑल दीज थिंग लैंडस्केप पेंटिंग होती है तो जो चाइनीज लैंडस्केप पेंटिंग्स होती है यह क्या दर्शाती है तो ऑप्शन है दे आर नॉट रियल एंड कैन एंटर फ्रॉम एनी व्यू पॉइंट तो यस दिस इज द राइट ऑप्शन इसका मीनिंग ये होता है कि जो चाइनीज पेंटिंग्स और जो चाइनीज लैंडस्केप्स की पेंटिंग्स होती है वो जब पेंटर ड्रॉ करता है तो वो क्लियरली ड्रॉ नहीं करता यानी जब व्यूअर जब देखने वाला उस पेंटिंग को देखेगा तो उसे समझ में नहीं आएगा कि ये किस चीज की पेंटिंग है थोड़ी ब्लर ब्लर टाइप की पेंटिंग्स होती है यानी कि व्यूअर खुद अपने दिमाग से इमेजिन करता है कि अच्छा यहाँ पे क्लाउड दिख रहा है यहाँ पे कोई इंसान बना हुआ दिख रहा है यहाँ मुझे वाटर बहता हुआ दिख रहा है यहाँ एक बोट है पेंटर बनाता ही ऐसी पेंटिंग है जो पूरी क्लियर नहीं होती व्यूअर यानी जो इंसान उसको व्यू कर रहा है देख रहा है उस पेंटिंग को वो अपने इमेजिनेशन से किसी भी व्यू पॉइंट को लेके चलता है उस पेंटिंग में यानी किस कुछ भी इमेजिन कर लेगा कि यहाँ एक क्लाउड uh, है यहाँ पे एक ट्री है वो अपने हिसाब से खुद पेंटिंग में इमेजिनेशंस करता है व्यूअर तो इसी तरीके की होती हैं चाइनीज लैंडस्केप्स वो रियल नहीं होती हैं और आप किसी भी व्यू पॉइंट से एंटर कर सकते हो उसकी पेंटिंग में थ्रू इमेजिनेशंस ओके परफेक्शन ये बिल्कुल गलत है बिल्कुल परफेक्शन परफेक्ट perfect नहीं होती है चाइनीज पेंटिंग्स जो यूरोपियन पेंटिंग्स होती हैं यानी कि जो वेस्टर्न कल्चर की पेंटिंग्स होती हैं वो एकदम परफेक्ट होती हैं यानी पेंटर ने जैसा बनाया है एग्जैक्टली exactly व्यूअर को यानी देखने वाले को वैसा ही दिखाई देगा कुछ इमेजिनेशन करने की उसमें जरूरत नहीं है इट डिपेक्टेड नथिंग चाइनीज पेंटिंग कुछ भी डिपेक्ट नहीं करती तो ऐसा तो कुछ नहीं है अगर पेंटिंग बनाई है तो कुछ तो डिपेक्ट कर ही रहा होगा ना कुछ तो दर्शा रहा होगा ना वो पेंटिंग न ऑफ दी अबव हो नहीं सकता क्यों क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया विच इज ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन वट टू फॉर्म्स ऑफ आर्ट डिड कंपेयर इन लैंडस्केप ऑफ सोल इसमें कौन से दो फॉर्म्स ऑफ आर्ट को आपस में कंपेयर किया है हमारे ऑथर ने तो पहला कंपेरिजन उन्होंने किया एक एक में और दूसरा है यूरोपियन आर्ट में तो चाइनीज और यूरोपियन आर्ट में उन्होंने कंपेरिजन बताया है यूरोपियन को हम वेस्टर्न आर्ट भी बोल सकते हैं तो ऑप्शन है चाइनीज आर्ट एंड ऑस्ट्रेलियन आर्ट नो चाइनी चाइनीज आर्ट तो है लेकिन ऑस्ट्रेलियन आर्ट के बारे में कुछ नहीं बताया चाइनीज आर्ट एंड यूरोपियन आर्ट यस चाइनीज आर्ट और यूरोपियन आर्ट को कंपेयर किया है हमारी ऑथर ने अमेरिकन आर्ट एंड यूरोपियन आर्ट नो इंडियन आर्ट एंड ग्रीक आर्ट नो ऐसा भी कुछ नहीं है सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट वॉट डज द कॉन्सेप्ट ऑफ शैन शुई रेप्रेजेंट ये जो शैन शोई का कॉन्सेप्ट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि ये क्या दर्शा रहा है तो शैन शोई एक चाइनीज कॉन्सेप्ट है ओके okay? जिसका मतलब होता है माउंटेन वाटर माउंटेन और वाटर दोनों की बात आ रही होती है ओके okay? तो शैन शाहछुई का मतलब होता है यूनिवर्स तो ऐसा कुछ भी नहीं है शैन शानछुई का मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी माउंटेन वाटर विच यूज विच वैन यूज टूगेदर टू रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप तो शान शुई एक चाइनीस कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब होता है माउंटेन वाटर और इन दो शब्दों को साथ में इसीलिए यूज किया गया है क्योंकि माउंटेन और वाटर दोनों को यूज करके आप लैंडस्केप्स की पेंटिंग्स बना सकते हो तो अगर आपको लैंडस्केप पेंटिंग्स बनानी है तो आपको शैन शुई का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा यानी उसमें माउंटेन भी बनाने पड़ेंगे वाटर रिवर ये सारी चीजें बनानी पड़ेंगी सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन बोथ ए एन बी यूनिवर्स और ये तो वो बोथ एन बी नहीं हो सकता ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव नन ऑफ द नहीं हो सकता क्यों क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है इज ऑप्शन नंबर का मतलब होता है माउंटेन वाटर और इन्हीं दोनों चीजों को यूज करके आप लैंडस्केप्स की पेंटिंग्स बना सकते हो नेक्स्ट वेयर डिड द पेंटर ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पेंटिंग अब जो ये पेंटर थे वो डाउजी उन्होंने टैंग एम्पर का ध्यान उनका अटेंशन पेंटिंग के किस हिस्से पर दिलाया तो ऑप्शन है रिवर पे नो no. ट्रीज पे नो अ केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन केव यानी कि गुफा तो ये उनकी पेंटिंग में एक माउंटेन बना था और माउंटेन के फुट यानी जहां माउंटेन खत्म होता है उसे हम कहते हैं फुट ऑफ माउंटेन ओके okay. तो वो डाउजी ने बोला कि फुट ऑफ माउंटेन यानी जहाँ माउंटेन खत्म हो रहा है यहाँ पे एक छोटी सी केव है यानी कि एक छोटी सी गुफा है तो यहाँ पे उन्होंने ध्यान दिलवाया टैंग एम्प्रेयर का कि यहाँ देखो यहाँ पे एक स्पिरिट रहती है एक अंदर आत्मा रहती है तो ये सारी चीजें इमेजिनेशंस करके वो डाउजी पेंटर ने टैंग एम्प्रेयर को बताई तो कहा ध्यान ध्यान उनका डलवाया एम्पर का वूड हाउसी ने केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन तो ये दिस इज द राइट ऑप्शन क्लाउड्स पे नहीं क्लाउड्स पे भी नहीं दिलवाया था सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हु डिड द टैंग एम्पर जुआन जोंग कमीशन टू डेकोरेट अ वॉल इन हिज पैलेस तो ये जो टैंग एम्पर थे जिनका पूरा नाम था जुआन जोंग उन्होंने किसको कमीशन किया यानी किसको हायर किया किसको बुलाया कि आप आओ और मेरे पैलेस में मेरे आ, मेरे इस महल में एक वॉल को अपनी पेंटिंग से डेकोरेट क्यों करो तो उन्होंने वू डाउजी नाम के पेंटर को बुलाया था यस तो ऑप्शन है नंबर है वो डाउजी तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें हमारा आंसर मिल गया शें नो हु नो डोंग चिंग क्वैंग क्विचान तो ये भी बिल्कुल नहीं सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन दैट इज वुडहाउजी उन्होंने वुडहाउजी नाम के पेंटर को बुलाया था कि आओ और मेरे पैलेस की एक वॉल को डेकोरेट करो अपनी पेंटिंग से नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डिड द केव ओपन अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वुडहाउजी के पेंटिंग में या माउंटेन के फुट पे एक क्या थी केव थी और केव में एक छोटा सा दरवाजा था तो ये जो दरवाजा है ये दरवाजा कैसे ओपन हुआ अपने आप ओपन हो गया था पेंटिंग में दरवाजा तो कैसे ओपन हुआ था तो ऑप्शन क्लैप्ड जैसे पेंटर ने अपने क्लैप किए ये जो दरवाजा था केव में ये अपने आप पेंटिंग में ओपन हो गया था यस ऐसा ही हुआ था वो डाउजी ने अपने हाथ क्लैप किए थे एंड केव का जो दरवाजा था अपने आप खुल गया था पेंटिंग में ऐसा स्टोरी में बताया था विद अ मैजिक स्पेल कोई मैजिक स्पेल कोई जादुई मंत्र पढ़ा और दरवाजा खुल गया था क्या नो विद अ नॉक पेंटर ने नॉक किया यानी खटखटाया दरवाजे पे और दरवाजा खुला तो ऐसा भी नहीं हुआ था विद अ बटन पेंटर के हाथ में एक बटन था उसने जैसे ही बटन दबाया दरवाजा अपने आप खुला नॉट एट ऑल ऐसा कुछ भी नहीं था ही क्लैप्ड हिज हैंड्स और दरवाजा केव का गुफा का अपने आप खुल गया था पेंटिंग के अंदर ओके सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन yin mean? ये yin का मीनिंग क्या है तो ये चाइनीज कॉन्सेप्ट जैसे मैंने आपको बताया था यांग यांग का मतलब होता है वाटर उसी का उल्टा होता है सॉरी यांग का मतलब होता है माउंटेन और उसी का उल्टा होता है यिन और का मतलब होता है वाटर तो यांग मतलब माउंटेन यिन

हॉरिजोंटल होती है ओके okay? और धरती पर बह रही है तो रेस्टिंग ऑन अर्थ ओके फ्लूड यानी कि लिक्विड होती है पानी और रिवर लिक्विड लिक्विड होता है मॉइस्ट होती है ना चिपचिपी अंदर मिट्टी भी होती है तो चिपचिपाहट भी होती है और कूल यानी वाटर हमें कूल cool करता है यानी हमें ठंडक पहुंचाता है तो इनका मतलब होता है वाटर विच इज हॉरिजोंटल एंड रेस्टिंग ऑन दी अर्थ एज द राइट ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन दिया माउंटेन वर्टिकली टूवर्डन स्टेबल वॉर्म एंड तो ये नहीं होता है क्योंकि इसका मतलब तो होता है okay? हमसे क्या पूछा हैल एक्शन ये एकदम न्यूट्रल एक्शन होता है न यंग न माउंटेन न वॉटर तो ऐसा कुछ भी नहीं होता यन का पर्टिकुलरली मीनिंग होता है वॉटर नन ऑफ द अब हो नहीं सकता क्यों क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है विच इज ऑप्शन नंबर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन when the पेंटर entered द केव जो पेंटर थे वो डाउजी उन्होंने क्लैप किया केव का दरवाजा अपने आप खोला और वो डाउजी एंटर किए उस दरवाजे के अंदर अपनी ही पेंटिंग में तो जब उन्होंने एंटर किया तो क्या हुआ ऑप्शंस द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम जो एंट्रेंस थी जो दरवाजा था उनके जैसे वो एंटर हुए पीछे तो दरवाजा बंद हो गया तो हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही हमारा आंसर मिल गया है कि जैसे वूड हाउजी ने एंटर किया था केव के के दरवाजे में तो उनके पीछे की जो एंट्रेंस थी वो अपने आप बंद हो गई थी नथिंग हैपेंड कुछ भी नहीं हुआ जब वो एंटर हुए तो ऐसा कुछ नहीं हुआ ऐसा कुछ नहीं था क्यों क्योंकि दरवाजा बंद हुआ था उनके पीछे स्ट एज इमेजिनेशन ऐसा कुछ भी नहीं था यह सिर्फ उनका ख्याल था उनकी इमेजिनेशन थी भाई हो सकता है उनकी इमेजिनेशन थी पर स्टोरी में तो हमें यही बताया गया है कि जब वो एंटर हुए अपनी पेंटिंग केव के, के दरवाजे में तो दरवाजा उनके पीछे जो एंट्रेंस थी वो अपने आप बंद हो गई थी नन ऑफ दी अब ये हो नहीं सकता क्यों क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया विच इज ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट डज दूरोपियन फिगरेटिव पेंटिंग मीन टू द व्यूअर जो यूरोपियन पेंटिंग्स होती है वो फिगरेटिव पेंटिंग होती है यानी उसमें फिगर्स चीजें बनाई जाती है चीजें ड्रॉ करी जाती है चाइनीज पेंटिंग्स में यूजुअली लैंडस्केप्स होते हैं वाटर क्लाउड्स रिवर माउंटेन ये सारी चीज होती है लेकिन जो यूरोपियन यानी जो वेस्टर्न पेंटिंग्स होती हैं वो फिगरेटिव होती है उसमें पर्टिकुलरली किसी चीज का फिगर बनाते हैं यानी कि कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं जैसे बोल दिया अगर मुझे मुझे कोई मंकी ड्रॉ करना है तो पर्टिकुलरली वो मंकी ड्रॉ करेंगे अब पेंटर ने क्या पेंट किया है मंकी तो जो व्यूअर है जो उस पेंटिंग को देख रहा है मंकी की पेंटिंग को

तो ऑप्शन है एग्जैक्टली एज ई सीज इट फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल यानी एग्जैक्टली जो पेंटर ने ड्रॉ किया है वही एग्जैक्टली exactly व्यूअर को भी दिखेगा वो कुछ भी इमेजिनेशन नहीं करेगा जिस एंगल से जो ड्रॉ किया है वही व्यूअर को भी दिखेगा तो यस फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें हमारा आंसर मिल गया है बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन इमेजिनेशन ख्यालों पे बेस्ड रहती है यूरोपियन पेंटिंग्स तो बिल्कुल गलत है क्योंकि ये सब तो चाइनीज पेंटिंग्स में होता है यूरोपियन पेंटिंग्स में इमेजिनेशन का कोई रोल नहीं है बोथ ए एंड बी नहीं हो सकता क्योंकि बी तो रॉन्ग है ऑल ऑफ दी अबव भी नहीं हो सकता क्यों क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया विच इज ऑप्शन नंबर ए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हु क्रिएटेड रॉक गार्डन इन चंडीगढ़ चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन है वो किसने बनाया है तो आप अपना चैप्टर देखेंगे लैंडस्केप ऑफ द सोल तो लास्ट में एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है नेक चंद जी ने चंडीगढ़ में रॉक गार्डन बनाया है यूज्ड मटेरियल से टूटे हुए स्टोन और इन सब से तोड़ तोड़ के एक रॉक गार्डन उन्होंने बनाया हुआ है तो उसके बारे में भी आपको एक पूरा एग्जाम दिया हुआ है आप उसको पढ़ सकते हैं तो किसने बनाया है चंडीगढ़ में ये रॉक गार्डन मोहन चंद ने नहीं शेर चंद ने नहीं नेक चंद यस मिस्टर नेक चंद ही है जिन्होंने चंडीगढ़ में यह रॉक गार्डन बनाया दयानंद चंद नो सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन ओके नेक्स्ट व्हाट वाज़ द नेम ऑफ द ब्लैक स्मिथ इन द फिफ्टींथ सेंचुरी एंटवर्प एंटवर्प एक जगह का नाम है वहां पर एक ब्लैक स्मिथ रहा करता था यानी एक लोहार रहा करता था फिफ्टीन सेंचुरी में तो उस ब्लैक स्मिथ का क्या नाम था तो ऑप्शन है लैरी विगिल ऐसा कुछ भी नहीं ये कोई नाम मेंशन नहीं है आपके चैप्टर में क्विंटन मेथसिस नाम का एक ब्लैक स्मिथ लोहार है जो वहां मेंशन करा गया है आपके चैप्टर में एडम स्मिथ नो हैरी मेट्सिस नो सो आंसर है आपका नंबर बी क्विंटन मेथ्स इसी के बारे में स्टोरी बताई गई है आपके चैप्टर में नेक्स्ट हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी लैंडस्केप ऑफ द सोल ये जो आपकी स्टोरी है लैंडस्केप ऑफ द सोल इसके राइटर कौन है ऑप्शन है ए नैथली ट्रूवरॉय बीम सारो एन सी डी रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो जैसे कि हम सब ने चैप्टर पढ़ा हुआ है हमने पूरा कवर किया है और हमें पता है कि नंबर ए नैथली ट्रूवरॉय इज अ फीमेल एक लेडी है जिन्होंने चैप्टर आपका लिखा है लैंडस्केप ऑफ द सोल सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट एंटवर्प अ मास्टर ब्लैकस्मिथ कॉल्ड क्विंटन मेटसिस फेल इन लव विद अ डैश डॉटर तो एंटवर्प नाम की एक जगह पे एक मास्टर ब्लैकस्मिथ था मैं मास्टर ब्लैकस्मिथ यानी एक लोहार था जिसका नाम था क्विंटन मेटसिस फेल इन लव उसको प्यार हो गया किसकी डॉटर से किसकी बेटी से इस लोहार की डॉटर को लोहार को प्यार हो गया तो so ऑप्शंस है ब्लैकस्मिथ लोहार को लोहार की ही बेटी से प्यार हो गया यानी ब्लैक स्मिथ को ब्लैक स्मिथ की ही बेटी से प्यार हो गया था नहीं पेंटर्स yes. ये एक ब्लैक स्मिथ था एक लोहार था क्विंटिन मैथिस और उसको एक पेंटर की डॉटर से एक बहुत फेमस पेंटर की बेटी से प्यार हो गया था सो ही फेल इन लव विद पेंटर्स डॉटर किंग्स डॉटर उसको राजा की बेटी से प्यार हो गया था क्या नोट no. सर्वेंट्स डॉटर एक नौकर की बेटी से प्यार हो गया था क्या नो no. तो ही fell in love with a painter's daughter एंड इसी वजह से जो पेंटर था फेमस पेंटर था वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी शादी करे एक लोहार से एक ब्लैकस्मिथ से और इन्होंने क्या किया इन्होंने उनके पैनल पे जाके एक रियल क्या बना दी फ्लाई यानी मक्खी बना दी और खुद पेंटर भी नहीं पहचान पाए कि कैसे उसने ये इतनी शानदार पेंटिंग बना पाई। उनको लगा कि एक रियल फ्लाई बैठी हुई है इंप्रेस हो गए और इस वजह से उन्होंने क्विंटिन के लोहार से ब्लैक स्मिथ से अपनी बेटी की शादी करवाई तो स्टोरी थी ऑप्शन तो नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट वट पाथ द डाइनीज पेंटर्स आर्ट क्रिएट जो चाइनीज पेंटर्स होते हैं और जो उनकी आर्ट होती है वो कैसा पाथ कैसा रास्ता क्रिएट करते हैं यानी व्यूअर्स के लिए कैसी पेंटिंग क्रिएट करते हैं चाइनीज पेंटर्स ऑप्शन है डाइगनल कुछ ऐसी पेंटिंग्स क्रिएट करते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है वर्टिकल लंबी लंबी पेंटिंग्स क्रिएट करते हैं क्या नहीं हॉरिजोंटल ऐसी ऐसी पेंटिंग्स क्रिएट करते क्या लाइंस बना बना के नो नॉट एट ऑल अ पाथ फॉर योर आइज टू ट्रैवल अप एंड डाउन देन बैक अगेन इन अ लेजली मूवमेंट तो चाइनीज पेंटर्स जो होते हैं वो ऐसी पेंटिंग्स क्रिएट करते हैं अपने व्यूअर के लिए उन लोगों के लिए जो उनकी पेंटिंग्स देख रहे हैं ऐसी पेंटिंग क्रिएट करते हैं कि व्यूअर अप एंड डाउन लेफ्ट राइट इधर उधर डाइगनल हर डायरेक्शन में देखें और इमेजिन करें खुद ही कि यहाँ क्या बना हुआ है यहाँ मुझे कुछ क्लाउड जैसा दिख रहा है यहाँ मुझे लग रहा है कि एक इंसान बोट में बैठा है और रो करके अपनी बोट चला के रिवर से उधर माउंटेन पे जा रहा है यहाँ मुझे सन दिखाई दे रहा है यहाँ मुझे लग रहा है रेन हो रही है तो वो इस तरीके से पेंटिंग बनाते हैं कि लेजरली मूवमेंट यानी व्यूअर की आंखें आराम से इधर उधर उनकी पेंटिंग पे चले और अपने दिमाग में इमेजिनेशंस करें कि यहाँ पर क्या हो सकता है ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज़ द चाइनीज एम्पर ड्यूरिंग द सेंचुरी। तो एथ सेंचुरी में वो चाइनीज एंपर वो चाइनीज किंग कौन था जिसने वो डाउजी को बुलाया था कि मेरे पैलेस की वॉल को अपनी पेंटिंग से डेकोरेट करो तो so, नाम है एंपर टाइजोंग नहीं टेंग एम्प्रर जुएन जो वो टैंग एम्पर जुआन जॉन्गी थे जिनको बुलाया जो एट सेंचुरी के वो एम्पर थे किंग थे चाइना में एम्पर हैन वुडी नो क्वीन शी युंग नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट वट अकॉर्डिंग टू द पेंटर डुवेल्स इन द केव ये कौन से पेंटर की बात हो रही है ये बात हो रही है वू डाउजी की और ड्वेल्स का मीनिंग होता है लिव्स तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो डाउजी नाम के जो पेंटर हैं उन्होंने अपनी एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें एक माउंटेन था उनकी पेंटिंग में और माउंटेन के फुट पे यानी नीचे एक केव थी जिसमें एक दरवाजा था तो वो डाउजी ने जब क्लैप किया तो ये पेंट ये जो दरवाजा है केव का गुफा का अपने आप खुल गया था वो अंदर चले गए थे और उन्होंने किंग को टैंग टैंग किंग ट जुआन जोंग को बताया था एम्पर को बताया था कि पेंटर के अंदर एक स्पिरिट रहती है यानी कि एक आत्मा रहती है ओके तो मतलब लिव्स तो क्या बताया था पेंटर ने कि हु लिवस इन द केव इन द केव तो एक स्पिरिट रहती थी ऐसा बताया था पेंटर ने किंग को तो उन्होंने ऑप्शन दिए एक ड्रैगन का बताया था क्या कि ड्रैगन रहता है नो अ फ्लाई एक मक्खी रहती थी क्या अंदर नो no. मिस्ट्री ये रहस्य है पेंटर ने बताया ही नहीं कि इस केव के अंदर कौन रहते हैं तो मिस्ट्री थी क्या नहीं ऐसा तो कुछ उन्होंने सस्पेंस नहीं रखा था किंग के सामने अ स्पिरिट यानी कि एक आत्मा तो यस दिस इज द राइट ऑप्शन यही बताया था पेंटर वूडाउजी ने किंग को कि अंदर केव में एक स्पिरिट रहती है अंदर एक आत्मा रहती है सो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन अ स्पिरिट नेक्स्ट

कभी ड्रैगन की आईज क्यों नहीं बनाता था तो ऑप्शन है आंखें बनानी नहीं आती थी नहीं ये रीजन नहीं था ही थॉट द पेंटिंग लुक्स बेटर विदाउट आईज क्योंकि उनको लगा कि मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी और बेटर लग रही है ड्रैगन की आईज के ही बिना तो ये भी ऑप्शन नहीं था ही दैट द ड्रैगन फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग क्योंकि उनको डर लगता था कि अगर मैंने ड्रैगन की आंखें बना ली तो वो रियल हो जाएगा और फ्लाई करके पेंटिंग के बाहर आ जाएगा मेरे ही पास और मुझे ही अटैक कर देगा तो यस यही वो रीजन था कि वो पेंटर ड्रैगन की आईज नहीं बनाता था ऑल ऑफ दी अब नहीं हो सकता क्यों क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है विच इज ऑप्शन नंबर सी ओके

जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मेरा वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि YouTube पे अगर अगर आपको वीडियोस इजीली नहीं मिल रही है तो आप वेबसाइट से कैसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं एंड डू नॉट फोगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर YouTube चैनल तब तक लिए बाय एंड टेक केयर